बॉलीवुड स्टार अजय देवगन मल्टी स्टार फिल्म टोटल धमाल आज देश और दुनिया के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख, जावेद अज्जा, प्रिया सदवार, माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर जैसे बेहतरीन कलाकार मौजूद हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बीते कई वर्षों से मल्टी स्टार फिल्म बन रही है, जिसे लोग वाकई में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से फिल्म धमाल का तीसरा भाग दर्शकों को फिल्म टोटल धमाल के रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें कॉमेडी का तड़का पहली दो फिल्मों से काफ़ी ज़्यादा लगाया गया है। अजय देवगन के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित लगभग 17 साल बाद एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। वर्ल्ड एडवेंचर कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म में आपको कई सितारे वर्ल्ड एडवेंचर कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म में आपको कई सितारे जानवर भी देखने को मिलेंगे, जिसे भारत के बाहर रियल लोकेशन पर फिल्माया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म को रिलीज होने में काफ़ी समय हो चुका है और इसके एडवांस बुकिंग भी काफ़ी तगड़ी हुई है, तो इस हिसाब से तगड़ा कमाई करने वाली है। एडवांस बुकिंग को देखते हुए ये पहले दिन आसानी से 25 करोड़ के आसपास की कमाई करेगी, यानी ये इस साल दो बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है जो कि बड़ी ओपनिंग लेके गए हैं, जिसके अंदर से एक है रणवीर सिंह की गली बॉय और दूसरी फिल्म है मणिकर्णिका। दोस्तों दोनों ही फिल्मों ने अच्छा कलेक्शन किया था अपने फर्स्ट डे, जहां गली बॉय ने 19 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं मणिकर्णिका ने 18 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब देखना दिलचस्प रहता है कि ये मूवी इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। आप दोस्तों आपको क्या लगता है कि टोटल फिल्म इन दोनों ही फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलती है सबसे पहले।